अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड इलस्ट्रेशन विद सिद्रा मलिक। एंड टुडेज क्लास इज़ ऑल अबाउट पेन टूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये रहा पेन टूल, मैजिक वांड टूल के बिल्कुल नीचे पेन टूल है। तो इसे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास इसकी चार ऑप्शंस नज़र आएंगी आपको, जिन्हें हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू यूज़ पेन टूल। तो सबसे पहले अब मैं अपने पेन टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं अपने आर्ट बोर्ड पर कहीं भी अगर क्लिक करती हूँ तो उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे माउस के साथ यानी मेरे कर्सर पर एक फर्जी लाइन जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, इसे फर्जी लाइन कहते हैं। ये अपने आप माउस के कर्सर को अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपको बताएगी कि ये लाइन जो है वो यहाँ पर इस तरह से प्लेस करेगी, ये इस तरह से नज़र आएगी। अगर आप नीचे लेकर आते हैं तो ये इस तरह से प्लेस करेगी। ठीक है, तो ये तब तक जो है वो एक्चुअल लाइन नहीं बनेगी जब तक कि मैं इसे किसी एक पॉइंट पे क्लिक ना कर दूँ। यानी कि मैं अगर यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये लाइन एक्चुअल हो चुकी है, यानी कि बन चुकी है। अब ये मूव नहीं होगी, मूव होगी तो ये सिलेक्शन टूल या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, अब अगर आप देखें मेरे पास नेक्स्ट जो है वो फर्जी लाइन शो हो रही है। अब अगर मुझे यहाँ पर, मैं स्ट्रेट लाइन नहीं चाहती, स्ट्रेट लाइन बना लूँ मेरी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? मैंने सिंपली अपने माउस के बटन को यहाँ पर लेफ़्ट बटन को क्लिक किया, उसके बाद मैंने उसे रिलीज़ नहीं किया। ठीक है, मैंने उसे रिलीज़ नहीं करना, मैंने उसे ड्रैग करना है। अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी तो मुझे जो कर्व है वो ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं अपने माउस को ऊपर की तरफ ट्रैक करूँगी तो जो कर्व है वो उसकी ऑपोजिट साइड नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो याद रहे आपको अगर पेन टूल से कर्व बनाना है तो उसके लिए आपको अपने माउस को कर्व की ऑपोजिट साइड जो है ट्रैक करना है। ठीक है, अब अगर आप देखें कि इस पॉइंट पे मैंने कर्व बनाया है तो यहाँ पर दो हैंडल्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये जो नीचे वाला हैंडल है ये हमारे ये इस पिछले कर्व को डील करेगा, और जो अगला हैंडल है वो क्या करेगा, ये जो आगे कर्व बन रहा है ना इसे हैंडल करेगा, यानी कि इसे डील करेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर मज़ीद कर्व नहीं चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये आगे कर्व नहीं बनाना तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए ये जो अगला हैंडल है ऊपर वाला इसे हमें बंद करना होगा। इसे हम किस तरह से बंद करेंगे, सिंपली हम जाके जिस पॉइंट पे पहले कर्व बनाया था वहाँ जाकर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अगला हैंडल था वो ख़त्म हो चुका है और ये जो सिर्फ नीचे वाला हैंडल ये रह गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, चाहे तो फिर से कर्व ले सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मैं जहाँ भी पॉइंट लगाती हूँ उसके बाद फिर से एक फर्जी लाइन जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, यानी कि जान नहीं छूटती हमारी इससे। तो मैं जहाँ भी क्लिक करूँगी ये लाइन जो है वो आगे बनती जाएगी, यानी कि ये स्टॉप नहीं होगी जब तक कि मैं इसे स्टॉप ना करूँ। उसके लिए क्या करना है कि या तो अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दें, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेन टूल जो है वो यहीं रुक जाए, ठीक है, आगे काम ना करे, आप इससे आगे कुछ नहीं करना चाहते पेन टूल से, तो अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दें। ये मैं अभी एस्केप प्रेस करने लगी हूँ तो आप देखेंगे कि पेन टूल से इस पॉइंट पे आकर पीछा छूट गया है। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं कंट्रोल जी करती हूँ, और अगर आप स्केप प्रेस नहीं करते, आपने कोई शेप जो है वो क्लोज़ करनी है यानी कि प्रॉपर शेप बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जहाँ से आपने अपनी ड्राइंग स्टार्ट की थी वहाँ पर आकर उस शेप को क्लोज़ कर देंगे। तो ये देखें पेन टूल से फिर भी जान छूट गई है। ठीक है, तो ये रहा पेन टूल। इससे मज़ीद किस तरह से हम काम कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेसिंग करेंगे, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, इसी वीडियो में बता दूं थोड़ा सा या फिर अगली वीडियो में बता दूं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं आपको बताती हूं कि इसकी हम जो इसकी मज़ीद ऑप्शंस हैं उन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, यहां पर अगर आप देखें पहले है ऐड एंकर पॉइंट टूल, दूसरा है डिलीट एंकर पॉइंट टूल।
तो ये दोनों भी फिजूल तो नहीं है, जाहिर सी बात है इलस्ट्रेटर ने कुछ भी फिजूल नहीं इसमें बनाया, सबके अपनी अपनी जो यानी कि खासियत है, सब सबका कोई ना कोई काम है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो काम है वो हम सिंपली पेन टूल से भी ले सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इसी से ही लिया जाता है। एड एंकर पॉइंट टूल जो है इसमें, इसका मतलब है कि आपने कहीं पर जो एंकर पॉइंट है वो ऐड करना है, और जो डिलीट एंकर पॉइंट टूल है इसका मतलब है कि आपने कहीं जो एंकर पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसे आपने डिलीट करना है, ठीक है। तो चलें देखते हैं सबसे पहले एड एंकर पॉइंट टूल। तो हम देखते हैं कि पेन टूल से हम इसका काम किस तरह से ले सकते हैं। तो हमें अगर अब मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक पाथ है, ठीक है, और जो मेरा ये पेन का साइन है, मैंने पेन को लिया हुआ है, पेन टूल लिया हुआ है, इसका जो साइन है, अगर मैं इसे पाथ पर लेकर जाती हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पेन के साथ जो है वो प्लस का साइन नज़र आता है। अगर यहाँ नीचे लेकर आती हूँ तो स्टार बन जाता है, और अगर ऊपर पाथ पर लेकर जाती हूँ तो प्लस का साइन। इट्स मीन कि यहाँ पर मैं एक एंकर पॉइंट जो है वो ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा सीरीज। आपने देखा कि यहाँ पर एक, इसी तरह अगर मैं पाथ पर कहीं भी क्लिक करूँगी पेन के साथ तो एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा। और अब देखते हैं कि हम किसी एंकर पॉइंट को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लेकर जाती हूँ अपने पेन को ही, ठीक है, पेन टूल को किसी एंकर पॉइंट पर लेकर जाऊँगी तो आप देखेंगे कि जो पेन के साथ जो साइन है उसके बिल्कुल नीचे साइन है वो माइनस का है। इट्स मीन के यहाँ पर जो एंकर पॉइंट है आप इसे क्लिक करने से डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने क्लिक किया तो वो जो एंकर पॉइंट था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद जो एंकर पॉइंट्स हैं अगर चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि ये इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, फिजूल तो नहीं है, लेकिन ये इनका इस्तेमाल जो है हम पेन टूल से भी इनका काम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एंकर पॉइंट टूल क्या चीज़ है। तो उसके लिए मैं आपको एक बॉक्स बनाकर ज़्यादा आसानी से समझाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ मैंने कंट्रोल सी किया है ताकि आर्टबोर्ड जो है वो पहले वाली हालत में आ जाए, नॉर्मल, बिल्कुल ब्लैंक। तो चलें यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना लें या कोई भी सिंपल सी शेप ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब मैंने राइट क्लिक किया और ये जो एंकर पॉइंट टूल है जिसकी वो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस सी, ठीक है, कीबोर्ड से शिफ्ट और सी। तो एंकर पॉइंट टूल लिया, और अब इसका क्या काम है कि ये आपको डायरेक्टली कर्व हैंडल्स देगा, ठीक है। अगर आप किसी भी एंकर पॉइंट पे जाके क्लिक करते हैं तो ये आप उसे मूव कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक से, ठीक है, और उसके हैंडल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये देखें, अगर आप एंकर पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और उन्हें ड्रैग करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी एंकर पॉइंट पे जाके वापस क्लिक करेंगे जिसे आपने पहले से मूव किया हो एंकर पॉइंट टूल से, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट की पुरानी शेप थी यानी कि पहली शेप थी ये उसी में वापस तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ये रहा एंकर पॉइंट टूल के बाद अब हमारे पास बचता है जो टूल, वो है कर्वेचर टूल, जो कि बिल्कुल उसी के सामने है, पेन टूल के बिल्कुल बराबर में है, ठीक है। अब इसे इससे हम क्या कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा वैसे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये बिल्कुल फजूल है, ठीक है। तो बहुत से लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते, मैं भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल इसे नहीं करती, तो फिर भी इसका इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे क्या होता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ कर्व्स बनते हैं, यानी कि इससे आपको स्मूदली कर्व्स मिल जाते हैं। फिर भी इन कर्व्स को आप चाहें तो बाद में चेंज कर सकते हैं। कर्वेचर टूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम पेन टूल से ट्रेसिंग किस तरह से कर सकते हैं। आज आपको मैं सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की सी ट्रेसिंग बताऊंगी, और इस पर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द
लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो व्यूवर्स, ट्रेसिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल लेकर रखी हुई है, ठीक है। और ये अपने बेबी के टॉय की पिक्चर ली हुई है मैंने। तो एक सिंपल सी जो शेप थी वो मैं चाह रही थी ताकि आप लोगों को इजीली समझा सकूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सिलेक्शन टू, मैं ये पिक्चर यहाँ पर किस तरह से लेकर आई, इसे एम्बेड किस तरह किया मैंने, ये मैं आप लोगों को इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और उसमें आपको पेन टूल से बाकायदा ट्रेसिंग भी बताऊँगी। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो उस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेसिंग देखते हैं, सिंपल सी ट्रेसिंग। तो इस पिक्चर की मैं ओपेसिटी जो है वो थोड़ी कम कर लेती हूँ ताकि मुझे इसके ऊपर आसानी से काम करने में मज़ा आए, ठीक हो गया। और यहाँ से इस लेयर को मैं लॉक करती हूँ और लेती हूँ एक न्यू लेयर, और यहाँ से लेकर अब पेन टूल ज़ूम करते हैं। तो मैं इसके हेड से स्टार्ट करती हूँ और जहाँ पर कर्व्स आएंगे वहाँ पर याद रहे कि आपने जो आपको कर्व चाहिए उसकी ऑपोजिट साइड पर जो है आपने अपने माउस को ड्रैग करना है। और ज़रूरी नहीं कि ये आप पहली अटेम्प्ट में ही बहुत परफेक्ट जो है वो ट्रेस कर लें, हम इसे बाद में भी थोड़ा बहुत क्या, बल्कि जितना चाहे मूव कर सकते हैं, इतनी इसमें बिल्कुल भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुझे जहाँ पर कर्व चाहिए वहाँ पर कर्व आसानी से बन रहे हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ज़ूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये जो बीच में गैप आ रहे हैं इन्हें हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इतने इन पॉइंट्स को उठाकर इस तरह से अपनी ड्राइंग पे मूव करेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, अब इसके पाँव बनाएंगे, फुट बनाएंगे। ये जो स्ट्रोक का जो स्टाइल है, यानी कि कॉर्नर आए, राउंड आए, इन्हें भी हम बाद में चेंज कर सकते हैं, यानी कि हर चीज़ की जो सेटिंग है वो बाद में चेंज की जा सकती है। तो इलस्ट्रेटर में इतनी बिल्कुल भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इजी हो के इंसान जो है वो काम कर सकता है। ये देखें, थोड़ा ब्लर है लेकिन नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पर कर्व नहीं चाहिए था, जिस तरह से कर्व आ रहा था कर्व हल्का सा चाहिए लेकिन थोड़ा चेंज। तो आप देखें इसमें काफ़ी कर्व्स हैं जिसे आपको इजीली समझ आ सकती कि किस तरह से हम जो हैं वो कर्व्स ले सकते हैं अपनी ड्राइंग में और किस तरह से स्ट्रेट लाइंस। इसके अलावा भी आप बहुत सारी इमेजेस हैं जो गूगल से ले सकते हैं और unsplash.com से ले सकते हैं, लेकिन मुझे बेहतर लगा कि मैं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो खुद सिलेक्ट करूं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं घर में। इसमें आप लोग जो हैं वो पेन टूल की, वैसे आपको मज़े की बात बताऊं, पहली अटेम्प्ट में मुझे इसकी समझ नहीं आई थी जब मैं सीखने लगी थी। तो मैं क्या करती थी कि जब मुझे कर्व चाहिए तो उसमें मैं अपने माउस को क्लिक करके छोड़ देती थी,
फिर मुझसे कर्व नहीं, यानी कि जिस तरह का मुझे कर्व चाहिए था उस तरह का कर्व नहीं बनता था। तो ये चीज़ फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने समझाई। तो आप देख लें कि इतना ज़्यादा अगर मुश्किल होता तो जिन्होंने कभी इलस्ट्रेटर खोला ही नहीं, उन्हें कैसे समझ आनी थी। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से कहा जा रहा है और आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई मुश्किल जो बात है वो नहीं है। दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि किस तरह से हम इससे कर्व ले सकते हैं। उन्होंने मेरे लेक्चर देखे, मेरे टीचर के लेक्चर, यानी कि जो मैं ले रही थी, और उन्होंने समझा और उन्होंने मुझे बताया कि वो इस तरह से कह रहे हैं। उसके बाद मुझे जो पेन टूल है वो बहुत 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 ज़्यादा इजी हो गया मेरे लिए। उससे पहले तो मुझे ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कोई पहाड़ है जो मुझे, यानी कि इसकी दूसरी तरफ जाना है। मुझे बहुत, मैंने पेन टूल को मुश्किल समझ के मैंने टैबलेट मंगवा लिया था, ग्राफिक टैबलेट। तो लेकिन ये है कि जब हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये किस तरह से कह रहे हैं, कि किस तरह आपने इसे मूव करना है और किस तरह आपने अपने माउस को ड्रैग करना है, आपने क्लिक करके रिलीज़ नहीं करना। तो इस आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। तो ये हमारी अब शेप जो है, तो ये अब शेप जो है वो अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ये देखें, आपने देखा कि किस तरह से हमने इसे ट्रेस कर लिया। अब आप चाहें तो इसकी अंदर वाली डिटेल्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आपको, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, मैं इसे मज़ीद लंबा नहीं करना चाहती क्योंकि फिर व्यूअर्स के लिए बोरिंग हो जाती है। तो मैं ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगी कि हम पेन टूल से किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और इसका स्ट्रोक किस तरह से चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का साइज़ किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और किस तरह से अपने स्ट्रोक्स को दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो मेरे ख्याल से इतनी बहुत है। आप लोग प्रैक्टिस करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, समझ आई है या नहीं आई है, ठीक है।